नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पड़ताल और मैं हूं अर्जुन। मैं इस समय मौजूद हूं रुद्रपुर विधानसभा के एक छोटे से गांव में और हमारे साथ मौजूद हैं हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले जन जन के नायक पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल। ठुकराल जी, जहां तक हमारी गांव वालों से बात हुई और हमारी जानकारी में है, एक सड़क यहाँ पर अभी उद्घाटन कर गए हैं, जहाँ तक हमें जानकारी है कि उसमें प्रस्ताव आपके द्वारा पास किया गया था, टेंडर आपके द्वारा पास किया गया था और मेरे ख्याल से वही ठेकेदार है। अब वहाँ माननीय हमारे निवर्तमान विधायक शिव अरोरा जी अपना बोर्ड लगा गए हैं, किस प्रकार से देखते हैं इसको? देखिए, मेरे द्वारा अपने 10 साल के कार्यकाल में 225 से अधिक सड़कें ग्रामीण क्षेत्र में और नगरीय क्षेत्र में, 225 से अधिक सड़कें मैं राज्य योजना के अंतर्गत लेके आया था। उसके अलावा मेरी विधायक निधि का 100% सदुपयोग हुआ था। मेरा एक भी पैसा आज तक मेरे 10 साल के कार्यकाल में लैप्स नहीं हुआ। जो राज्य योजना से सड़कें आती हैं वो लोक निर्माण विभाग उसकी कार्यदायी संस्था होती है और मैंने दौड़ दौड़ के सचिवालय में इन सड़कों को अंतिम चरण तक कराया। मेरे विधानसभा के चुनाव में कुछ सड़कें, लगभग 24 या 25 सड़कों का काम नहीं हो पाया जो वर्तमान में शने शने चल रहा है। लेकिन वर्तमान विधायक जी के द्वारा आज 9 महीने हो गए, एक भी सड़क राज्य योजना के अंतर्गत मंजूर नहीं हुई है। उनका किसी भी प्रकार का कोई प्रोजेक्ट, कोई प्रस्ताव राज्य योजना के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के माध्यम से प्रेषित नहीं किया गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जो मेरी 24-25 सड़कें जो मेरे द्वारा अथक प्रयास करके, दिन रात मेहनत करके जो पास कराई गई, उन सड़कों पर वो जबरन अपने शिलापट लगा रहे हैं। वो सारी जनता को पता है। मैंने एक एक बंदे को ग्राम सभा में मैंने वो कागज सब जगह वितरण कराया था जो सड़कें मैं मंजूर करा के लाया था। लेकिन आज जितने भी शिलापट इनके द्वारा लगाए गए, लगभग 6 शिलापट लगाए गए, वो 6 के 6 पब्लिक ने तोड़ दिए। और ये जबरन जो शिलापट लगा रहे हैं, अपनी कमाई करें ना, अपना प्रोजेक्ट लेके आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने हर विधायक से 10-10 प्रस्ताव मांगे हैं कि आपकी विधानसभा में 10 ऐसे कौन से काम हैं जो बड़े कठिन हैं और बड़े प्रोजेक्ट हैं। लेकिन आज तक 9 महीने हो गए, वो 10 कामों के प्रस्ताव 66 रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र से यहां से नहीं भेजे गए। अपना काम कोई नहीं करना, अपनी मेहनत नहीं करनी, अपने द्वारा जो राज्य योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपए की सड़कें मिलती हैं, उन सड़कों की कोई चिंता नहीं है। कोई प्रस्ताव अभी तक पीडब्ल्यूडी के माध्यम से नहीं गया। मेरे टाइम में 2.5 करोड़ रुपया एमएलए फंड था अपनी विधानसभा में छोटे छोटे काम कराने के लिए, वो 2.5 करोड़ से 3.5 करोड़ हो गया, फिर 2.5 करोड़ हुआ, फिर अंतिम वर्ष में फिर 3.5 करोड़ हो गया एमएलए फंड, विधायक निधि 1 चवन्नी भी लैप्स नहीं होने दी मैंने। आज वो विधायक निधि 5 करोड़ रुपए हो गई है, जिसका 75% एमएलए फंड को देखने वाले मुख्य विकास अधिकारी के यहां पहुंच चुका है। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, आज 9 महीने बीत गए, एमएलए फंड में एक भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। इनके द्वारा कोई कार्यदायी संस्था अभी तक तय नहीं की गई है। कौन काम करेगा, कौन सा कार्यदायी संस्था, सरकारी एजेंसी काम करेगी, यह आज तक तय नहीं हुआ, जिस कारण से वो काम लिंगर ऑन हो रहे हैं। ये बताइए, ये जो मेहनत किसी और की, क्रेडिट किसी और का, इस पे नैतिकता नाम की चीज नहीं है। अगर है नैतिकता तो अपने कामों का शिलान्यास करो, अपने कामों का उद्घाटन करो। ये क्या है कि किसी और की बनाई हुई खीर को आप खाना चाहते हैं, पब्लिक आपको खाना नहीं दे रही है। आप ये देखो ना, जो शिलापट आप लगाते हो वहां की पब्लिक आपकी शिलापट तोड़ देती है। आप कहां खड़े हैं? जूठन चाटने की आदत को त्यागते हुए आपको अपने प्रोजेक्ट की ओर ध्यान देना चाहिए। जो 10 करोड़ रुपए की प्रतिवर्ष आपको सड़कों का प्रोजेक्ट बना के गवर्नमेंट को देना है, वो देने में आप आक्रमण आलसी साबित हुए, अपना एमएलए फंड करने में भी ये आलसी साबित हुए। इसके अतिरिक्त जो 10 योजनाएं बड़ी मांगी है मुख्यमंत्री ने, वो अभी तक इन्होंने भेजी नहीं है। इनका काम सिर्फ एक है कि दूसरे का काम बिगाड़ो, दूसरे पर अतिक्रमण करो, उसके अधिकारों का हनन करो, उसके अधिकारों पर अतिक्रमण करो। लेकिन मेरे साथ मेरी जनता है, मैं देख रहा हूं जहां जहां शिलापट लगा रहे, एक शिलापट इनको नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी जबरन। मैंने आज तक 200 से अधिक उद्घाटन किए बड़े बड़े पीडब्ल्यूडी के, मैंने कहीं पर भी अपना शिलापट नहीं लगाया। मैंने ठेकेदार से कहा, मैंने कहा सड़क अच्छी बना,
सड़क अच्छी बना, मुझे कोई शिलापट का मोह नहीं, लालच नहीं है, लेकिन इनको शिलापट का इतना लालच है कि दूसरों के भी शिलापट पर अपना नाम लिखवाने में ये कोई गुरेज नहीं कर रहे। और भी ग्रामीण लोग चर्चा कर रहे हैं कि उनके दौरे को लेकर के, कि अभी तक जीतने के बाद वो अभी तक ग्रामीण क्षेत्र, ये जनता तय करेगी। आप यह बताइए, अभी तक शिव अरोड़ा जी के जीतने के बाद कितने बार वो यहाँ पर गाँव विजिट के लिए आए हैं? हमारे गाँव में उन्होंने जीत हासिल की उसके बाद बसंतीपुर का उन्होंने एक बार भी नाम भी जिक्र नहीं करा और ना वो यहाँ पर आए हैं। और ये चीज गांव के सभी बच्चे व बड़े बुजुर्ग भी यही बात गांव गांव में चर्चा चली रहे हैं कि विधायक जी हमारे गांव में नहीं आ रहे व हमारे गांव में भी नहीं आए। विधायक जी को जीते हुए एक साल हो गए, डेढ़ साल हो गए, तो इसी तरीके से उनका कार्य चल रहा है। और कहीं पर जहाँ फीता काटने की बारी आती है, रुद्रपुर में हम घूमते रहते हैं, हमें सुनने में आता है कि वहाँ पर उनके शाला को भेजा जाता है कि फीता काट कर आओ। तो ये है विधायक की विधायक नीति कि जहाँ विधायक जी को फीता काटना है वहाँ उनके शाला को, शाला जी को भेजा जा रहा है फीता काटने के लिए। चलिए, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्रधान हैं, जिन प्रधान हैं जिनके ग्राम सभा की रोड का उद्घाटन किया है। प्रधान जी, एक बहुत एक बड़ी बात है कि जो शिलापट लगा है आप ही की ग्राम सभा की सड़क, आप उस गांव के मुखिया हैं, आपका उसमें नाम नहीं है, आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए भाई साहब, मैं अमरपुर ग्राम सभा का एक छोटा जनप्रतिनिधि हूं और हमारे ग्राम सभा के देवतुल्य जनताओं ने इतना मुझे प्यार दिया है तो शायद मैं इस उम्र में उनका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। और अभी मैं देखता हूँ, परसों की बात है, ये जो अमरपुर बसंतीपुर से लेकर जो अमरपुर तक का जो रोड है, तो मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलता हूँ, 30/8/2021 की बात है। ये हमारे ग्राम सभा का जो हमारे BDC सुखदेव सिंह और मैं रह के PWD में इसकी चौड़ीकरण के लिए हमने लेटर पहले ही लगवा दिया था अमरपुर से साइन करवा के, वो लेटर मौके में हमारे मोबाइल पे भी मौजूद है, अगर सोशल मीडिया में उसको भी चलाना चाहोगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो उसकी चौड़ीकरण हुई, सारे जमींदारों से हमने लगातार मेहनत करके इस रोड की चौड़ीकरण करवाया। और मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते यहाँ पे शिलान्यास किया जाता है दिन ब दिन चोरी चुपके से, मौके का विधायक उनको जो जनप्रतिनिधि है मौके में उनका सम्मान रखना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा काम ना करते हुए वहाँ पे तो हमारे हमें बुलाया नहीं गया। और साथ में मैंने वहाँ देखा और गांव के लोग ही कह रहे थे कि बसंतीपुर गांव से मात्र 4 जने खड़े थे वहाँ पे और जितने भी वहाँ पे शिलान्यास के लिए आए थे वो बाहरी लोग थे। और बोर्ड में जिस हिसाब से नाम गुदवाया गया है वो सरासर एक हिसाब से गलत गुदवाया गया है, क्योंकि हम देखो अपने नाम के लिए नहीं जीते और हम ये नहीं कहते कि बोर्ड में हमारा नाम आना चाहिए। और इन्होंने ऐसे आदमी का भी वहाँ पर नाम डाला जिन्होंने अभी तक, मैं आपको चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ और पूरा बसंतीपुर अमरपुर के जनताओं को भी पता है कि कभी उन्होंने झांक के इस रोड के लिए कभी खड़ा होकर देखा नहीं। और इन्होंने कभी यहाँ पे ये भी नहीं पूछा कि चौड़ीकरण होना नहीं होना है, JCB लगना है नहीं लगना है, जो लेबर आ रहा है यहाँ पे काम करने के लिए उसके शिफ्टिंग भी हम लोग करवा रहे, कमरा दे रहे, उनका सेवा हम कर रहे, सब कुछ हम कर रहे, उसके बावजूद भी ये लोग एकदम जनता के साथ छल और कपट करने का काम कर रहा है। तो ये कतई बसंतीपुर में बर्दाश्त नहीं होगा। ये जो राजनीतिक हमारा यहाँ पे जिला पंचायत जो है मौके में, ये जिस हिसाब से राजनीति कर रहा है तो कतई हम बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। तमाम तरीके के आरोप हैं। एक तरफ माननीय पुष्कर सिंह धामी की सरकार जीरो टॉलरेंस पर बात करिए। सर विधायक जी, पूर्व विधायक जी, ये बताइए, जैसे एक एक अभी प्रधान जी ने बताया, प्रधान जी की ग्राम सभा की सड़क और उनका उस शिलापट में कोई नाम नहीं, उनको सूचना भी जहां तक नहीं मिली है, किस प्रकार की राजनीति है ये? कोई भी जनप्रतिनिधि बने उसको कोई घमंड नहीं करना चाहिए, उसको अपने अधीनस्थ छोटे ग्राम प्रधान, जैसे छोटे जनप्रतिनिधि है, ग्राम प्रधान है, BDC मेंबर है, जिला पंचायत सदस्य है, सबका सम्मान करना चाहिए। लेकिन जो वर्तमान में शिलापट मेरे सड़क पर लगा दिया गया उसमें ना तो ग्राम प्रधान का नाम है ना क्षेत्र पंचायत सदस्य का नाम है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये ओछी मानसिकता उनकी, ये उनके स्तर का पता लगता है कि किस स्तर के हैं। अरे अपनी सड़कें लेके आओ ना, आपकी सरकार है, अपने प्रोजेक्ट आपसे दिए नहीं जा रहे, दूसरे के प्रोजेक्ट पर आप जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं, तो जनता तो आपके निरंतर शिलापट तोड़ रही है, 6 शिलापट पहले तोड़ दिए, आपका क्या मान सम्मान है? सम्मान दिल से होना चाहिए। जनता कह रही है कि ठुकरा लाए सड़क और तुम उस पर उद्घाटन का पत्थर लगा रहे हो और उसमें भी वहां के लोकल के जो रिप्रेजेंट करते हैं जनप्रतिनिधि उनका नाम तक नहीं है, तो जनता विरोध नहीं करेगी?
हमारे साथ मौजूद हैं, आपको बता दूं ये जो गांव है दो ग्राम सभाओं में बटा हुआ है, एक अमरपुर एक आनंदखेड़ा। हमारे साथ मौजूद है आनंदखेड़ा के प्रधान इंद्रपाल जी। इंद्रपाल जी, आपके सामने का ही है ये जो शिलापट एक लगाया गया है, किस प्रकार से देखते हैं इसको? ठुकराल, हालांकि ठुकराल जी का ये ठुकराल जी का प्रस्ताव पास किया हुआ रोड है और उस पे जो शिलापट लगाया गया है, एक दो जनों को तो गांव के लोगों से मैं बातचीत कर रहा था, उनको तो नाम भी नहीं पता, किस प्रकार से देखते हैं? मैंने तो शिलापट देखा भी नहीं, आपसे सुन रहा हूँ अभी। और अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसने जो काम किया नाम उसका होना चाहिए, हमारे अनुसार तो ये होता है और मैंने तो हमेशा यही माना है। मेहनत किसी और की और क्रेडिट कोई और लेने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं इस पर कब तक अंकुश लगता है। जिस प्रकार से ये अनियमितता या तमाम आरोप गांव वालों द्वारा लगाया जा रहा है, देखते हैं इस पर कब तक सुधार हो पाता है। अपने सहयोगी अजय के साथ मैं अर्जुन कुमार, खबर पड़ताल, नमस्कार।